ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का हिम्मत सिम का न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस जितने भी बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस इसमें यार थोड़ा सा ना कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट है गाइस जिसको आपको गाइस थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि गाइस जब तक आप उसको ध्यान से नहीं देखोगे गाइस आप लोग सेम फोटो एडिट नहीं कर पाओगे। तो गाइस आप लोगों को जो है उसको ध्यान से देखना है। एंड गाइस अगर अभी तक आप सुने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गए आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइज आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइज जाना आपको ऐड फोटो में। एंड गाइज यहाँ से ऐड फोटो में जाने के बाद आपको अपने मॉडल को ऐड करना है। एंड गाइज मॉडल को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली अपने मॉडल को जब आप ऐड कर लोगे तो गाइज आपको कुछ इस टाइप से फुल स्क्रीन करना है। एंड गाइज जो पीछे आपको ट्री दिख रहा है गाइज वहाँ पे आपको सिंपली अपने मॉडल को बैठाना कुछ इस टाइप से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड जब मॉडल को आप बैठा दोगे तो गाइज आपको ओपेसिटी चेक करनी है कि गाइज आपका मॉडल वहाँ पे अच्छे तरीके एकदम फिक्स हुआ है कि नहीं। फिर उसके बाद आपको जब लगे कि हाँ आपका मॉडल वहाँ पे फिक्स हो चुका है तब आपको ओपेसिटी यहाँ पे फुल कर देनी है उसकी। एंड इरेजर टूल में जाना, फिर आपको हार्डनेस फुल करना है, साइज को छोटा करके एंड आपको नीचे का एरिया रिमूव कर देना है। तो गाइज इसको मैं पहले फटाफट रिमूव कर लेता हूँ। एंड गाइज इतना ये रिमूव करने के बाद आपको जो नीचे का पैर जो हिस्सा दिख रहा है आपको अपने मॉडल का, आपको गाइज सिंपली इसको भी नीचे से रिमूव करना है। मतलब कि कैसे रिमूव करना है मैं बता देता हूँ। मतलब कि गाइज आपको जो मॉडल है इसका पैर लगे कि ये वाटर के अंदर है, तो उसके लिए करना पड़ेगा आपको पहले इरेजर टूल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इरेजर टूल में जाने के बाद आपको उसकी ओपेसिटी हार्डनेस दोनों कम करना है एंड साइज को बढ़ा के एंड कुछ स्टेप से रिलीज करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो है हम लग रहा है हमारा मॉडल का जो पैर है वो पानी के अंदर है, तो आपको कुछ स्टेप्स ऐसे रेस करना है, ठीक है। तो आपको जो मतलब कि देख लेना आप अपने हिसाब से कि मतलब आपको इतना तो पता होगा ही कि मतलब कि आपको कितना मॉडल आपका वाटर के अंदर दिखना चाहिए, तो आपको उस तरीके से करना है। देन गाइस आपको ऐड फोटो में जाकर आपको वाला पीएनजी ऐड करना है, ठीक है, ब्लैक वाला, एंड आपको इसको इन्वर्ट कर देना है, फिर साइज को बढ़ा के एंड फोटो को जूम करके आपको यहाँ पे शेडो क्रिएट करनी है एंड कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे पेंट करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड गाइस अभी तो आपको ऐसा लग रहा हो क्या यार क्या बन कर रहे हैं भाई, ये शेडो ऐसे थोड़ी बनती है। तो मतलब गाइस आपको मतलब कि मैं बताऊंगा कि आपको इसका क्या करना है। आपको साइड में इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करके उसको मूव डाउन कर देना है, नीचे की तरफ चले जाएगा एंड गाइस आपकी शेडो पे बनके तैयार हो जाएगी। तो अब क्या करना है आपको यहाँ पे सिंपली कर देना डन। अब गाइस यहाँ पे इतना कर देने के बाद आपको फिर करना है आपको जाने से टूल्स में, फिर जाना आपको एडजस्ट में, फिर यहाँ पे गाइस आपको सैचुरेशन वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली सैचुरेशन बढ़ाना है एंड आपको इरेजर टूल में जाना है, फिर आपको यहाँ पे इन्वर्ट करना है एंड इन्वर्ट करने के बाद आपको ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है अपने मॉडल के ऊपर गाइस कुछ इस टाइप से पेंट करना है, ठीक है, ताकि जो गाइस आपका दूसरा मॉडल है ना जो यहाँ पे नोरा फतेही है इनकी तरह आपका जो आपको अपना मॉडल को मैच करना है, क्योंकि दोनों का टोन एक ही होना चाहिए ना। तो आपको कुछ इस टाइप से कर देना है एंड इतना कर देने के बाद आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आपको उसको सिंपली डन कर देना है। एंड गाइस अपनी फोटो यहाँ पे सेव कर लेना है एंड इसका गाइस हम से करेंगे कलर करेक्शन, जो कि हमें करते हैं कलर लाइट रूम ऐप में। तो अब इसको हम लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में। तो गाइस लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद आपको सिंपली से लाइट वाला ऑप्शन में जाना है एंड आपको उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे गाइस हाईलाइट है जो गाइस आपका हाईलाइट को बढ़ा देना है एंड जो थोड़ा सा शेडो है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है एंड जो जो वाइट है गाइस आपको उसको थोड़ा सा यहाँ पे आगे तरफ बढ़ा देना है, जो ब्लैक है इसको थोड़ा सा आपको इसको भी बढ़ा देना है। फिर इसके बाद आपको जाना है ऐसे कलर्स में, आपको कलर्स में जाने के बाद आपको उसका वाइब्रेशन कम करना है एंड जो सैचुरेशन दिख रहा होगा गाइस आपको सैचुरेशन चाहो तो आप कम भी कर सकते हो, बट यहाँ पे हम थोड़ा बढ़ा देंगे एंड थोड़ा सा टेम्परेचर भी बढ़ा देंगे। फिर जाएंगे कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, इसका सैचुरेशन हम थोड़ा माइनस कर देंगे एंड जो लूमिनस हम इसका थोड़ा बढ़ा देंगे। एंड उसके बाद क्या करना है आपको जाना है येलो कलर में, आपको इसका सैचुरेशन है जो है आप इसका चेंज कर सकते हो एंड ह्यू को भी चेंज कर देना थोड़ा। एंड उसके बाद आपको जाना डार्क ब्लू में, आपको उसका सैचुरेशन माइनस कर देना है क्योंकि पेंट का कलर है जो हमारे वो ब्लू है। फिर उसके बाद आपको लाइट में जाना दोबारा गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारी जो मनोरा फतेही वो थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो गई है, तो उसका करेंगे हम यहाँ पे नीचे की तरफ हाईलाइट कम कर देंगे एंड जो गाइस जिसके नीचे वाइट दिख रहा है आपको गाइस इसको भी थोड़ा कम कर देना है एंड जो है इसको कॉन्ट्रास्ट भी कम कर देंगे। एंड उसके बाद कलर्स में जाएंगे, फिर यहाँ पे मिक्स में जाएंगे एंड मिक्स में जाने के बाद हम इसको डन कर देंगे, अब यहाँ पे हमें ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। फिर जाएंगे हम नीचे वाले टूल में कलर के, फिर उसके बाद क्लियरिटी बढ़ा देंगे, फोटो में थोड़ा विग्नेट डाल देंगे एंड नीचे आपको मिलेगा ग्रे अमाउंट, हम उसको भी बढ़ा देंगे एंड उसके बाद जाएंगे नीचे वाले टूल में फोटो की जो शार्पनेस हम इसको बढ़ा देंगे एंड जो फोटो में नोड रिडक्शन हम उसको डाल देंगे एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन हम इसको भी बढ़ा देंगे। तो गाइस फाइनली हमारी फोटो जो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो अगर ऐसा करता है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।